Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, एक कंफर्म रिपोर्ट आ गई है कि कौन होने वाला है हमारे डी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस का ओपोनेंट WWE के WrestleMania 38 के इवेंट में। So guys, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप सेथ रॉलिंस का WrestleMania 38 का ओपोनेंट जानना चाहते हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। So guys, आपको दो पार्ट है। अगर ये गाइस लास्ट ये वीक के गाइस रॉ के एपिसोड में गाइस विंस मैकमैन ने गाइस ऑफिशियली सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया 38 में एक मैच दे दिया। अभी ये मैच किसके अगेंस्ट है, सबके दिमाग में बहुत ही सारा क्वेश्चन आ रहे हैं। और गाइस जो WWE गाइस उन्हें बोला गया कि विंस मैकमैन है गाइस, वो एक हैंड पिक ओपोनेंट लेके आने वाले हैं डी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस के लिए। गाइस ये ओपोनेंट कोई भी हो सकता है। अभी गाइस अभी आप लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हमारे जो इंटरनल सोर्सेज है गाइस वो क्या बोल रहे हैं। बस इंटरनल सोर्सेज अभी फिलहाल ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि अभी फिलहाल गाइस WWE का गाइस अंडर से प्लान है कि गाइस वो कोडी रोड्स का WWE रिटर्न कराने वाली है WrestleMania 38 के इवेंट में, और वो सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच प्लान कर रही है WrestleMania 38 के लिए। गाइस आप जो सुन रहे हो गाइस वो बिल्कुल सही है गाइस। WWE गाइस WrestleMania 38 के लिए गाइस कोडी रोड्स वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का मैच प्लान कर रही है। बहुत ही बड़े बड़े सोर्सेस से रिपोर्ट भी आ गया गया कोडी रोड्स से गाइस उन्होंने ऑफिशियली गाइस WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। गाइस जो कोडी रोड्स है गाइस वो हमको WWE के WrestleMania 38 के नाइट वन यानी गाइस WrestleMania सैटरडे में उनका WWE रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं, और गाइस वो हमको एक मैच रेसल करते हुए दिखने वाले हैं उनके रिटर्न में अगेंस्ट सेट। और गाइज अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।